Assalamualaikum, कैसे हैं आप लोग? I hope अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ. और यहाँ व्लॉग स्टार्टिंग कर रहे हैं हम अनबॉक्सिंग से. तो आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं Redmi Note 6 Pro. ये मोबाइल हमने लिया है हमारे जो भांजे हैं तो उनके लिए लिया है, नंद के बेटे के लिए, उनके लिए बुक किया था मोबाइल हमने, तो उसी के हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं. तो मैंने सोचा कि चलिए इसका वीडियो बनाती हूँ थोड़ा सा. तो ये मोबाइल उनके लिए लिया था, अभी नया नया शौक है सब बच्चों को. तो ये देखिए Redmi Note 6 Pro. यस राइट, मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ वर्ड्स इधर उधर कर दिए होंगे. तो अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा मोबाइल था, बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा, वाइब्रेंट सा कलर, और ओवरऑल इसके फीचर्स जो थे वो भी बहुत अच्छा है. कैमरा बहुत अच्छा मेगापिक्सल था एंड ये इसके साथ कवर भी आया है और बहुत अच्छी क्वालिटी लगी इसकी. जो पिक्स वगैरह ली उसकी, देखा हमने वीडियो क्वालिटी जो थी, पिक्स क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी. और नया मोबाइल में तो खैर क्वालिटीज़ आजकल बेइंतहा आ रही है, रोज़ का नया मोबाइल लॉन्च हो रहा है. सो बच्चों के लिए तो जो भी हो, शुरुआत भी हो तो बहुत है. तो ये उनका है फर्स्ट मोबाइल, तो जिसमें वो बहुत ज़्यादा हैं हैप्पी हैप्पी. तो और साथ ही वो क्या, हमारे घर में सभी बहुत खुश हो रहे थे. मतलब आप देखिए हर एक के हाथ में जा रहा है, सब कह रहे हैं हमें हाथ लगा के देखने दीजिए, हमें टच कर लेने दीजिए. तो वो इतने खुश हो रहे थे जैसे कि ये मोबाइल उनके लिए ही आया हो. सो यहाँ पर हबी कर रहे थे उसको चेक, उसके फीचर्स और सब उसकी सेटिंग वगैरह जो है, तो वो इसको चेक कर रहे थे, सेट करके देख रहे थे ऑन करके सेट को. तो और मैं वीडियो बना रही थी मैं उसको शूट कर रही थी कि क्या है क्या नहीं है. सो कि चलिए एक याद रहेगी इसकी भी कि क्या मोबाइल था, क्या दौर था क्योंकि उसके बाद लाइफ में बहुत मोबाइल आना, ये तो शुरुआत हुई है बचत पार्टी की. तो ये जब वो आए थे तब उनको हमने ये दिया, तो बहुत सरप्राइज थे, बहुत खुश थे, बहुत थैंक यू मामानी, थैंक यू मामू, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे देख के. बहुत अच्छा लगा उनकी खुशी को कि इतना अच्छा उनको मोबाइल मिला है. तो एक्चुअली वो क्या हुआ कि हमने उनको बोला कि नहीं, मोबाइल हमने बुक ही नहीं किया, उनका थोड़ा सा प्रैंक किया, थोड़ा सा मज़े लिए उनके कि हमने बुक ही नहीं किया ये वो. और जब वो आए तो हमने उनको सरप्राइज़ किया कि नहीं देखिए मोबाइल, तो वो इतने खुश थे, बैठे हुए थे सामने चुपचाप से. तो मैंने शूट कर लिया उनका भी. और साथ ही मैं ये जो है ये मैं कर्टन सिलाई कर रही हूँ कर्टन की. तो ये काफ़ी टाइम से मेरा थोड़ा सा पेंडिंग वर्क हो रहा था, मतलब टल रहा था जो काम था मेरा, तो टला. तो मैंने सोचा चलिए इसको शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं कब तक ये, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेंडिंग हैं, यू नो वक्त की कमी नहीं मिलता चार बच्चों के साथ में, 4 किड्स और उनके साथ काम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने की. और तो सब मुझे अपने हिसाब किताब से करनी होती हैं, तो मैं शेयर नहीं कर सकती सब चीज़ें किसी के साथ में, क्योंकि अगर फिर कम ज़्यादा हो जाए तो मुझे ही मज़ा नहीं आता है एक्चुअली. तो यहाँ पे मैं उसकी स्टिचिंग कर रही हूँ. एक्चुअली जो हमारे कर्टन्स डले हुए हैं ये उसी का ही कपड़ा है, जो विंडो थी हमने विंडो को काट के छोटा किया हुआ था, इतने लंबे पर्दे नहीं डालने थे हमें, तो ये उसका कपड़ा बचा हुआ था. एक्चुअली मैं इसका बनाने वाली थी कुशन्स, मैंने सोचा था कि कुशन वगैरह बनाऊंगी बहुत प्यारे से लगेंगे कुछ इसमें डिज़ाइनिंग करके, बट सडनली मुझे एकदम ध्यान आया. एक्चुअली क्या हुआ कि मैं बताना भूल गई, हालांकि लोगों ने मुझे बोला था कि मम्मा आप शूट कर लीजिए, कूलर लिया है हमने अभी बाहर हॉल के लिए, तो वहाँ पे मैं जो शेड वगैरह कुछ थी जिससे कि मतलब सामने एक हमने थोड़ा सा मतलब उसको छुपाया है ताकि जो सामने वाला घर है उसमें से क्लियर ना दिखे घर के अंदर का, बेपर्दगी ना हो. सो दैट्स वाई हमने उसको थोड़ा सा हाइड करने के लिए इस तरह से किया हुआ था. अब वो जो चेंज हुई सेटिंग पूरी, तो पूरा सब चेंज हो गया, तो मैंने कहा अब चेंज हो ही गया है तो मैं थोड़ा सा चेंज ही कर देती हूँ. तो मैं उसी के लिए थोड़ा सा कुछ मेरे माइंड में चल रहा था, तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी. तो दिखाती हूँ मैं आपको, चलिए.
सो ये है वो जगह जहाँ आप मुझे लगाना है और ये लिया है नया कूलर। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जो भी हो ज़रूरी नहीं है ऐसी हो तो ही आप खुश हो, कूलर में भी खुश रहना चाहिए इंसान को। तो ये यहाँ के लिए कूलर, और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ये विंडो है और ये सामने जो घर है वो अच्छा नहीं लगता, बेपर्दगी होती है, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो खैर मुझे अच्छा भी नहीं लगता इस तरह से। तो यहाँ पे मैं इसकी बड़ी अच्छी सी जो है सेटिंग कर रही थी, तो मैं इनसे कह रही थी बहुत देर से, बट ये जो है ना गेम में लगी हुई, तो मैं हालांकि ये ऊपर ऊपर चढ़ने वाले काम करती नहीं हूँ, खुदा ना खास्ता गिर जाओ हाथ पे टूट जाए तो वह वैसे ही हाथ में भी चैम्बर साफ़ करने के चक्कर में हाथ की एस्थेसी हुई पड़ी हुई है, आज तक कुछ हैवी वेट नहीं उठाते बन रहा है, जिसकी वजह से मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रही हूँ, जिम भी नहीं जा पा रही हूँ, बट फिर भी वेट कम हो गया। सो यहाँ पे मैं खुद ही चढ़ गई गुस्से में ऊपर, मैंने कहा चलिए देखते हैं गिरूँ नहीं बस मैं, तो मैं चढ़ गई थी ऊपर जैसे तैसे, खुद को चढ़ा लो उतना, फिर खुद बंदे से चढ़ तो गया उतरेगा कैसे, सो फनी। तो मैं चढ़ गई थी जैसे तैसे करके कि मैंने कहा चलिए देखते हैं हो गया तो ठीक वरना बुलाऊंगी इनको आवाज़ देके। तो मैंने किया ये हो गया, थोड़ा सा ही था काम, इतना ज़्यादा नहीं था टफ तो, बट मुझे एक चीज़ की अच्छी नहीं लगी, मतलब मुझे उस टाइम दिख नहीं रहा था, मतलब ओरिजिनल में नहीं दिख रहा था, ये वीडियो में दिख रहा है इतना ज़्यादा, और मैंने वीडियो को चेक नहीं किया। तो जब मैंने उसको पूरा अच्छे से फिक्स करा दिया, बिल्कुल परमानेंट कर दिया उसको, तब मुझे बाद में पता चला कि अरे यार इसमें तो बहुत शले दिख रही हैं सिलवटें जो होती ना इसमें, तो ये थोड़ी आयनिंग करनी चाहिए थी मुझे इस पे कर्टेन पे, और फिर उसके बाद इसको सेट करना चाहिए था। तो ये चीज़ मुझे अभी वीडियो देखते वक्त ज़्यादा मतलब फील हो रही है कि अरे यार, बट ओरिजिनल में इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है, चल जाएगा काम, बट इसमें ज़्यादा समझ में आ रहा है तो, लेकिन फिनिशिंग अच्छी आ जाती है क्योंकि काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। खैर चलिए अब टंगे टंगे रखे हैंग जितने टाइम रहेगा तो हो जाएगा वो तब तक के लिए, तो देखते हैं इसको लगाने के बाद कैसा लग रहा है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक, अच्छा लग रहा था वैसे दिखने में, इसमें ऐसा लग रहा है ओरिजिनल में ज़्यादा अच्छा दिख रहा है वैसे। तो ये हो गया पूरा ओवरऑल लुक, एंड पेपरदगी से भी बच गए, और साथ ही मैं कर रही थी मेरे माइक्रोवेव की सफाई, हालांकि बेचारा बहुत पुराना हो गया है, मैं उसको इतना साफ़ करती हूँ कि मैंने उसको साफ़ कर करके उसका कलर भी साफ़ कर दिया, जगह जगह से वो बेचारा फैट हो गया है, उसका कलर ही उड़ गया ऐसा लग रहा है, इतना साफ़ किया मैंने। तो मैं थोड़ी सी उसकी अच्छी से क्लीनिंग कर रही थी, डीप क्लीनिंग मैं नहीं कहूँगी फिर भी, बट मैंने इसकी पूरी सब तरह से अच्छी से क्लीनिंग करी थी, काफ़ी जो जालियाँ होती हैं ये बहुत गंदी सी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ और दिखाती हूँ और इसको स्टोरी भी सुनाती हूँ आपको माइक्रोवेव। तो ये है, काफ़ी टाइम हो गया इसको, 8-10 साल हो गए होंगे, 9-10 साल समझ लीजिए। तो ये हमें ना, ये मुझे ना मेरे जो ससुर साहब हैं अल्लाह पाक उनको बहुत अच्छा रखे, उन्होंने मुझे दिलाया था। तो मुझे क्या हुआ था कि मुझे खुद शौक हुआ था, एक प्रोग्राम आता था टीवी पे अक्सर रसूल, तो उसको देख के मुझे इतना शौक हुआ था कि मतलब, और उसमें यही वाला माइक्रोवेव दिखाते थे जब भी वो कुछ करती थी ग्रिल या माइक्रोवेव कोई भी चीज़, तो वो यही वाला दिखाते, तो मुझे बड़ा शौक हुआ था उस टाइम पर, किस्मत भी थी कि मुझे यही वाला मिल गया जिसमें चाहती थी। तो ये मैंने तब लिया था, टाइम बहुत मैंने इसमें खाना पकाया, मतलब पूरा खाना मेरा इस पर, जैसे आप इंडक्शन देखते हैं ना वैसे मैं इसके अंदर पूरा खाना बनाती थी, बस नॉनवेज छोड़ के सारी चीज़ें मेरी इसके अंदर बनती थी, मतलब खाना पूरा खाना इसमें बनता था, मतलब गैस तो टोटली मैंने बंद कर दिया था यूज़ करना, मतलब चाय वाय को। एक बार तो मैंने इसमें अंडा भी बॉयल कर दिया, और उसके बाद जब अंडा बॉयल किया तो ये ब्लास्ट हो गया भम पूरा, तो फिर उसके बाद मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, तो बस खूब यूज़ कर रही थी मैं उसको शौक में आके सारी चीज़ें, तो बड़े मज़े के वो बातें होती हैं ना, पुरानी बातें तो बस याद ही रह जाती हैं, आप लेते हो चीज़ें तो बस उसकी मैं केयर कर रही थी। देखिए आप भी, लेकिन आज भी देखिए आप उसकी कंडीशन 10 साल के बाद भी कितना अच्छा है, बस उसका कलर ही थोड़ा सा ख़राब हुआ है, और बाकी इसकी एक रॉड भी ख़राब हो गई है, तो मैं वही सोच रही हूँ अब इसका मॉडल पुराना हो गया है तो रिपेयर होने के कुछ इशू आ रहा है, तो अब देखते हैं इंशाल्लाह से, अगर ये रिपेयर होता है तो अच्छी बात है, मैं रिपेयर ही करवाना पसंद करूँगी क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट है ये, और पापा ने इतने प्यार से दिलाया था, और नहीं तो फिर देखेंगे नया भी लेना पड़ सकता है, तो लेंगे फिर क्या करें, ज़रूरी भी है आजकल तो माइक्रोवेव के बिना काम ही कहाँ होता है, कुछ भी गर्म करना है और आपको ग्रिल कन्वेक्शन ये सब चाहिए ही पड़ता है। साथ ही मैं बना रही हूँ कढ़ी, तो
ये जो कड़ी है ये हमारी सास और अम्मी दोनों के ही स्टाइल में मैं बना रही हूँ, तो लेकिन मैं स्मार्ट तरीके से बना रही हूँ। अब आप पूछेंगे स्मार्ट तरीका क्या होता है, तो जो हमारी अम्मी हैं वो स्पून से उसको दही को फेंटती थी, बहुत टाइम लगता है। और हमारी सास जो थी, मतलब सास जो हैं और अम्मी जो हैं दोनों ही हैं, अल्लाह पाक उनका अच्छा रखे दोनों को, तो जो हमारी सास हैं वो जो छन्नी होती है ना वो उसमें दही को मतलब करती थी। ओ माय गॉड, मतलब जब ये दोनों ही मेथड जो है ना मुझे तो कहीं पल्ले नहीं पड़े। तो जब मेरे पास ये ब्लेंडर नहीं था तो मैं मिक्सर में घुमा देती थी उसको, बड़ा जो जार होता है ना उसमें डाल के। और खैर जब से मैंने ब्लेंडर ले लिया है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तो उसमें और भी अच्छा हो जाता है। वेल, मेरी जो कड़ी है ना वो बहुत मज़े की तो बनती है, साथ में बहुत जल्दी बन जाती है। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुक लाइक शहला पे, तो देखिएगा ज़रूर आप। तो कैसी बनी फिर बताइएगा भाई। इस लेकिन इसका टेस्ट अच्छा होता है, मज़े का लगता है, बच्चों को सबको बहुत पसंद आता है। और अगले दिन कड़ी के साथ में मैं तो खाती हूँ नाश्ते में पराठा, और बच्चे खाते हैं चावल, मतलब मैं भी खा लेती हूँ, ज़्यादा शौक से नहीं खाती हूँ वैसे मैं राइस वाइस। और साथ ही बना रही हूँ बढ़िया से इसके जो भजिए बनते हैं ना पकौड़े वो। अच्छा पता है पहले मैं शादी से पहले, अम्मी तो सुनेंगी तो उनको याद ही आ जाएगा कि मैं शादी से पहले ना भजिए जो कड़ी में खाती नहीं थी। मैं भजिए पहले अम्मी से कह देती थी कि मुझे आप अलग ही फ्राई करके दे दीजिए, मैं तो अलग ही खाऊंगी, तो मैं इसमें खाती नहीं थी। लेकिन अब तो खैर खाने लगी हूँ तो मैं अलग। और वैसे तो ये भजिए जब भी मतलब कड़ी बनती है तो भैया भजिए तो पहले खाने में आ जाते हैं, तो ये पहले जो भजिए निकलते हैं ना ये खाने के लिए ही निकलते हैं। कड़ी वड़ी में तो बाद में डालना, पहले ज़रा टेस्ट कराओ कि बने कैसे हैं। तो बस ये वो भजिए बन रहे हैं, भजियों के साथ में जो है जो पापड़ होते हैं वो, और जो बच्चों के फ्राइम्स होते हैं, तो बस वो सब चीज़ें भी शुरू हो जाती हैं। पूरा रमज़ान जैसा जो एक माहौल होता है ना, वो सब चीज़ों की याद आ जाती है कि वाह पापड़ भजिए। और ये बारिश में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, मज़े के वो खाने में मज़ा आता है। लेकिन जब कड़ी बनती है ना तब भी बहुत मज़ा आता है कि पापड़ भी तल लें और जो जो तलना है बच्चों को, बड़ी चीज़ें बच्चों को बड़ी याद आ जाती हैं, अरे मम्मा वो नहीं करा आपने, नहीं वो भी तल दीजिए वो भी कर दीजिए, तो बड़े मज़े लेते हैं, वो भी फ़ायदा उठाते हैं कि अरे यार काम हो रहा है अभी, चलो चलो याद दिला दो, मम्मा को मना थोड़ी करेंगी, कर देंगी वो। तो मैं वही कर रही थी। यहाँ पे मैंने बच्चों से कहा मैंने कहा अभी उठाना मत, लेकिन वो पहले ही शुरू हो गए, मतलब मैं जितनी देर में गई कि अलावा मैं शूट करूँ थोड़ा सा उतने में वो लोग शुरू हो गए, उनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था कि अरे आप कहाँ वीडियो बना रही हो, अब इन सब चीज़ों को भी कोई बनाता है क्या शूट करता है, तो उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तो सब शुरू हो गए थे, जब मैंने डांट लगाई तो फिर रुके वो लोग कि नहीं चलिए ठीक है, वापस रख दिया ला के सब चीज़ें कि ठीक है आप पहले शूट कर लीजिए। तो ये हमारी बन गई है कड़ी बढ़िया सी, और साथ में ये भजिए भी गए कड़ी के अंदर, और अब कड़ी में लगा देंगे अच्छा सा बघार। और आप लोग कैसे बनाते हैं कड़ी बताइएगा मुझे, वैसे मैं पता है उसमें शेयर करूँगी। और मुझे पता है बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हैं कि आपने मेरे तरीके से रेसिपी बनाई और बहुत अच्छी लगी, सबको पसंद आई, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वाह चलो अच्छी बात है। इसी बहाने तो पता तो चल रहा है कि मैं कैसा खाना बनाती हूँ, और आप लोग पसंद भी आ रहा है, तो ख़ासकर मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो सब लोग बहुत खुश हैं मुझसे, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं सब लोग, और जो मेरे नए फ्रेंड्स हैं वो भी करते हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे यही कहती हूँ इसलिए यार कमेंट्स किया करो, इसी बहाने कम से कम बातचीत हो जाती है आपस में। जो वैसे भी दोस्ती करने का बहुत शौक़ है, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, भले ही मैं सालों में मिलूँ उनसे, लेकिन कभी नहीं लगता ऐसा कि मैं सालों में मिल रही हूँ। तो ये देखिए हमारी लजीज सी मज़ेदार मज़े की कड़ी बनके तैयार है।
और मुझे ना पता है बड़ा अच्छा लगता है ये प्रेजेंटेशन जो होती है ना, मुझे तो ऐसा लगता है इसको बड़ा अच्छा खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करो खूब अच्छे से। वक्त की थोड़ी सी कमी होती है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ कई बार, बाकी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बहुत अच्छे से प्रेजेंट करूँ, डेकोरेट करूँ, गार्निश करूँ। तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया हो तो, और क्लिक द बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए, एंड लाइक करिए, शेयर करिए फैमिली एंड आपके फ्रेंड्स के साथ में, और किचन हैशटैग लाइफ का शहला को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।